Mirchi Bollywood. नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले कुणाल कपूर को आज इंडस्ट्री में 13 साल पूरे हो गए हैं। 2005 में आई फिल्म मीनाक्षी में छोटा सा रोल प्ले करने वाले कुणाल आज हर फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुणाल कपूर की एक्टिंग करियर के बारे में नहीं बल्कि उनकी लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्म रंग दे बसंती में आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कुणाल कपूर ने 2015 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन से शादी की थी। लेकिन इस लव लाइफ की नींव 2007 में ही पड़ गई थी जब फिल्म लागा चुनरी में दाग की शूटिंग के दौरान कुणाल अभिषेक बच्चन के दोस्त बने थे। इसके बाद बच्चन परिवार के घर में पार्टी हो या फिर कोई फंक्शन, कुणाल कपूर हर मौके पर दिखाई पड़ते थे। तब 2012 में अमिताभ की बड़ी बेटी श्वेता बच्चन ने कुणाल को अपनी कजन नैना से इंट्रोड्यूस करवाया था। पहली मुलाकात में दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। दोनों के बीच इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी कि दिल्ली में परिवार के साथ रहने वाली नैना ने कुणाल के लिए अपने पारिवारिक बिजनेस को छोड़ दिया और मुंबई में शिफ्ट हो गई। लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2014 में एंगेजमेंट की और अगले ही साल गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली। एक इंटरव्यू में नैना ने बताया था, वाओ टॉल डार्क एंड सो हैंडसम, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था तो मेरे मन में यही 3 वर्ड्स थे और मैंने मन ही मन कुणाल को अपना दिल दे दिया। शादी के बाद भी कुणाल वैसे ही हैं जैसे पहली मुलाकात में थे। आज दोनों की सफल मैरिड लाइफ को 3 साल पूरे हो गए हैं। कुणाल फिल्मों के साथ साथ वाइफ नैना का उनके बिजनेस में भी साथ देते हैं।